एंड आई विश वेरी सक्सेस फॉर दिस प्रोग्राम। मैं तो यही कहना चाहूँगा छोटे से शब्दों में, कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश, कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश। चेहरे पर है आत्मविश्वास, चेहरे पर है आत्मविश्वास, विशाल के प्रकाश से जल उठा आकाश, विशाल कपूर जी के प्रकाश से जल उठा आकाश। थैंक्स पनाश, थैंक्स विशाल कपूर, थैंक्स हबीब जी, थैंक यू मेरे मित्र हफीज़ बेग साहब औरंगाबाद से, और सबको शुभकामनाएं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे और जितने भी उनके साथ में उनके जो भी मेंबर्स हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Elegant, sophisticated show of 2021. More than show, I call it absolutely a spectacular vision by VK Vishal Kapoor. Absolutely an honor to be in his collection for the Panache runway. And ladies and gentlemen, for the prestigious Panache Image Awards 2021, I want to take this opportunity of inviting my dear friend Habib here for allowing me to be a part of this most magnificent show by Vishal Kapoor. It's always about sophistication absolutely personified. When it's VK, unki collection se lekar, the way he carries on with his shows, it's always that awesomeness jo wo sab logon ko dete hain. At the same time, jo runway pe wo glam laate hain, it's only by the Vishal Kapoor collection. Absolutely an honor for me to be here. Iske alawa, pehli baar life mein ऐसा मौका मिला है जहाँ पर सारे क्वींस आने वाले हैं, एंड दे आर हियर प्रेजेंटिंग दीज अवार्ड्स टू ऑल द ब्यूटी क्वींस ओवर द इयर्स। सो आई थिंक दिस इज वन फिनोमिनल इवेंट ऑल टुगेदर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। थैंक यू सिमरन। यस या समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट द पनाश इवेंट अवार्ड, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर अवार्ड्स एज़ सच। सी पनाश बेसिकली अवार्ड्स जो है यहाँ पे हम पार एक्सीलेंसी का अवार्ड देते हैं। यहाँ पे कोई नंबर वन शो नहीं है, नंबर वन एक्टर नहीं है, हमारे लिए सब बेस्ट होते हैं। इसलिए हमारा जो टैगलाइन होता है, इट्स पार एक्सीलेंस, मींस अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसलिए हम उनको अवार्ड से नवाजते हैं। और जो हमारा क्वींस है, इसमें भी हमारा नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री नहीं रहती है। क्वींस बेसिकली कोई स्टेट से है, कोई सिटी से है। सो ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही यूनिक है हमारे देश के अंदर, कि जहाँ पे हमारी जो क्वींस है, जिनको लोग अक्सर भूल जाते हैं साल दो साल के बाद, जैसे कोई मिस महाराष्ट्र हो गई, मिस दिल्ली हो गई, मिस मुंबई हो गई, तो साल दो साल के बाद सब भूल जाते हैं। सो वी एंड एट पनाश वी रिमेंबर दिस क्वींस एंड वी गिव देम अ डिग्नेटरी वॉक। आप देखेंगे कि उनको एक गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, एक डिग्नेटरी वॉक करेंगे, और उसके बाद ये शो आप जैसे देखेंगे, इट विल बी वंडरफुल सक्सेस। एंड यस, इसके बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आएंगे एंड हमारे जजेस भी रहेंगे। एंड यस सर, यस। और कि ये जो इमेज अवार्ड्स है, जैसे मैंने कहा, इमेज अवार्ड्स हम आदमी की इमेज को बढ़ाने के लिए देते हैं, और हमारे लिए कोई नंबर वन, कोई नंबर टू, कोई नंबर थ्री नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। और जिसने उनकी अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल किया, हम उनको अवार्ड से यू नो ऑनर देते हैं। अब आगे जाफर भाई करेंगे, बिकॉज मुझे जाना है इस्माइल जी को रिसीव करने। थैंक यू एवरीवन। यस, यस। शाम पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो कोई इवेंट होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, और मैं पनाश इमेज अवार्ड में एडवाइज़र कमेटी में हूं, और 3 साल से हम लोग कंटिन्यूस ये शो करते हैं विशाल जी के साथ में। काफ़ी अच्छे लोगों को हम लोग लेकर आते हैं, जो भी एक रिकग्नाइज हैं, जिनका एक नाम है, उनको फेलिसिएट करते हैं अवार्ड से। ये मर्तबा हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वीन लीग्स रखा है, जिसमें जो क्राउन होल्डर है या सब टाइटल जिन्होंने जीता है ब्यूटी पेजेंट में, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने अवार्ड रखा है, और उनको भी आज हम लोग यहाँ फेलिसिएट करेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया से आज ब्यूटी क्वींस यहाँ पर आई है, तो मैं उन सब का भी थैंक्स कर रहा हूँ। जितने भी अवार्डी अभी यहाँ आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी रिकग्नाइज पीपल है, यानी जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर जो भी ये काम किए हैं अच्छे, उनका रिकग्नाइज हो, और उसके साथ में पनाश जुड़ता है। पनाश ये है कि एक
फैशन आइकॉन है, फैशन आइकॉन के साथ साथ में पर्सनालिटी भी उसके साथ में हम लोग वो करते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, एक अपनी अलग पहचान है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जी थैंक यू। जिनको हम प्यार से वीके बोलते हैं, तो द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट बट आई एम सीइंग दैट मैनी मोर पीपल आर गेटिंग एसोसिएटेड, मैनी मोर ब्रांड्स आर गेटिंग एसोसिएटेड। सो ऐसे लगता है कि आई मीन द शो इज़ गेटिंग बिगर एंड बेटर एंड एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर और स्टाइलिश है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, दिस इज़ गोइंग टू एड अप सो मच ऑफ वैल्यू फॉर ऑल द अवॉर्डीज एंड दिस अवार्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर देम एंड दे कैन शोकेस दिस अवार्ड इन टर्म्स ऑफ really achieving something very nice, achieving some great success in their life. Okay, Vijay ji, Lokmat काफी active है, लोगों को support भी कर रहा है। हाल ही में भी सहारा में भी एक show हुआ था, ये है नवी मुंबई में हुआ था जैसे हम लोगों ने देखा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना circle जो बड़ा हो गया है लोकमत का, popularity बढ़ गई है। See, लोकमत आज से नहीं, बहुत समय से 3 decades से महाराष्ट्र में नंबर एक है और इन टर्म्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया दिस इज़ दी 5th largest मीडिया हाउस ऑफ द कंट्री। सो एक दो इवेंट नहीं होते हैं हमारे, अगर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 1600 इवेंट होते हैं साल भर में। कोविड के कारण इस साल में नहीं हुए हैं, बट जिस लेवल पे लोकमत ब्रांड्स को सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है और इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है, नॉट ओनली इन मुंबई बट ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, सो अपने आप में एक बहुत अच्छा बेसिकली सपोर्ट मिलता है पूरे महाराष्ट्र की के लोगों को हर क्षेत्र में। वेदर इट इज़ फार्मर्स के लिए हमारा सरपंच अवार्ड है, जो कहना चाहिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर, जो हम लोग NCPA या डोम में करते हैं, तो जहां 10 से 12,000 पब्लिक होती है। तो इस प्रकार से बहुत अनेक प्लेटफॉर्म है और मैं ऐसा समझता हूं कि लोकमत की तरह ही बाकी भी पब्लिकेशंस अच्छा काम कर रहे हैं एंड उससे सारी महाराष्ट्र की जनता को एक बहुत अच्छी उम्मीद मिलती है, एक अच्छे होप्स मिलते हैं एंड आई एम श्योर आफ्टर कोविड लाइक एवरीबडी हैज़ गियर्ड अप एंड आई एम श्योर लाइक आई मीन द पीपल विल गेट न्यूमरस रीजंस टू स्माइल एंड हैव लाफ्टर। हाँ पूछिए, इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बनाश इमेज अवार्ड्स 2021। बनाश का इमेज वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है और मैं हबीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और विशाल भाई का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ दुआएँ हैं कि पनाश इमेज अवार्ड्स खूब ढेर सारी तरक्की करे और बड़े बड़े सुपरस्टारों को अवार्ड दे। सर, अवार्ड कितना मायने रखता है एक कलाकार के लिए? क्या बात है, क्या सवाल है। अवार्ड मायने तो सबसे ज़्यादा रखता है क्योंकि जिस तरह आप 10th का एग्ज़ाम देते हो तो उसका रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, कि आप पास हुए कि फेल हुए। तो अवार्ड मिलने से ये पता चलता है कि भाई हम पास हो गए, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके काम को वो रिस्पेक्ट मिलता है तो आप और मेहनत करते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया अवार्ड। सर, इसके अलावा जैद, आवेज, अनम तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका कोलैबोरेशन उनके साथ कब होने वाला है, क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आप भी उनके साथ में हैं, आपका भी कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट हो उनके साथ? मेरा इन्वॉल्वमेंट तो जब से पैदा हुए तब से है और इस वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह आवेज, जैद और अनम मेहनत कर रहे हैं तो मैं उनको एक ही चीज़ गाइड करता हूँ कि बेटा कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना, तो इस काम को तुम इतना बड़ा कर दो कि लोग तुम पर नाज करें। आज जिस तरह आवेज का नाम हुआ है, जैद का भी नाम है, अनम का भी नाम है,
तो बच्चे मेरे बहुत है टैलेंटेड, और इंशाल्लाह ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए आप लोग दुआ कीजिए कि मालिक उनको इससे भी बहुत बड़ी कामयाबी दे, क्योंकि उनका जो असली टैलेंट है ना वो अभी तक सामने आया नहीं है, है ना। बट सबसे अच्छी बात ये है कि उन लोगों ने अपने बाप का सहारा नहीं लिया, ये बहुत अच्छी बात है, वरना उनके लिए बहुत रास्ते ईजी थे, बट उन लोगों ने रास्ते बहुत कठिन चुने, अपनी मेहनत से वो लोग यहाँ तक पहुँचे। मैं बैकग्राउंड में हमेशा रहा, बट मुझे यही अच्छा लग रहा था कि वो लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैं कोशिश करके यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था, तो उसका एक मज़ा कुछ और ही होता है जब आप खुद कुछ हासिल करते हो ना। तो मुझे खुशी इस बात की है बस कि मेरे बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, और आप लोग दुआ करें बस, मालिक उन लोगों को और आगे पहुँचाए और उनकी हिफाजत करे। सर, बॉलीवुड में बहुत सारी नेपोटिज्म के ऊपर बातें होती है, लेकिन आवेज ने, जैद ने पूरी उस बात को एकदम अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया, उसको लेके कितना प्राउड फील होता है आपको? देखिए, एक बाप के लिए तो सबसे खुशी की बात वही होती है कि उसके बच्चों के नाम से आज मुझे पहचाना जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज आप उन बच्चों के लिए मुझसे पूछ रहे हो, है ना, तो ये बहुत खुशी की बात है। और दुनिया का हर बाप चाहता होगा कि उसके बच्चों का नाम हो, लोग उस अपने उसके मतलब बाप औलाद के नाम से बाप को पहचाने, तो आई एम वेरी हैप्पी, और इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाले का क्या शुक्रिया अदा करूँ। बस यही दुआ करना आप लोग के वो लोग आगे बढ़ते जाए। Thank you, sir. Thank you. Edition of Panache Image Awards. From last 3 years, we are doing this initiative to felicitate the each and every awardee, to hype them and to felicitate their journey. We just encourage them by giving these Panache Image Awards. Many well-known person also coming to the event, so something about that. Of course, like we had called many celebrities from Bollywood industry, the pastry industry, the industrialist from all the around the fashion world, and the you can say like who's who. So what was the reason to start this kind of an award? I mean, 3 years back, in 3 years you have successfully recognized this award. Yes. See, basically we are here to felicitate them कि उन्होंने अपनी जो journey, जो success जो उन्होंने इतने सालों से किया है उसको हम बढ़ावा देते हुए, उनको मान सम्मान देते हुए ये award का हमारा idea था कि इस चीज़ को ऐसे लेकर आए। Habib, of course, he is one of our advisory board member and he is associated from first edition onwards, and he is doing a wonderful job. I would like to thank him. मुंबई वासियों का, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया, मैं मनीष मान, इंडिया प्लेयर, एशियन मेडलिस्ट, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ जो एक मुंबई में आने के लिए इन्होंने मेरे को एक इनवाइट किया और मेरे को एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो इस फैशन इंडस्ट्री में भी अगर स्पोर्ट्समैनों को एक बुलाना होता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि एक अलग दुनिया है, और यहाँ पर आके भी हमें इतना मान सम्मान मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो बड़ी एक तय दिल से विशाल कपूर जी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि ऐसे आप स्पोर्ट्स को भी साथ लेकर चले, क्योंकि स्पोर्ट्स एक अलग दुनिया है तो फैशन भी एक अलग दुनिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लोग इतना मान सम्मान देते तो काफ़ी अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और अवार्डियों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। तो यही ऐसे वो करके तरह, पर एक मैं रिक्वेस्ट फिर करता हूँ, मैं लास्ट ईयर भी एक बार बोल के गया था कि ये जो दुनिया है फैशन इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की, तो आप इसमें पॉलिटिशियन को यूज़ ना होने दें, क्योंकि ये ऐसे ही चलती रहे, चमकती रहे, मैं चाहता हूँ कि दुआ करता हूँ कि एक लोगों का एंटरटेनमेंट भी नहीं करता, काफ़ी लोगों को एक बढ़ावा भी देता है, इन्जॉय भी होता है, उससे एक रियल लाइफ की स्टोरी भी सामने आती है। बस इतना कह के भी थैंक्स करना चाहूँगा, थैंक्स ऑल ऑफ यू वेरी मच। जो विशाल जी हैं उनको मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा, बिकॉज ये लगातार उनका तीसरा यू नो अवार्ड फंक्शन है, और हर बार एक एक लेवल ऊपर जा रहे हैं वो। और अगर मुंबई बॉम्बे के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे अवार्ड्स जो होते हैं जिसमें कैपेबल और लायक लोग जो है उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड शो है। आई विश विशाल कपूर ऑल द बेस्ट, एंड
हैव अ ग्रेट टाइम और ये एक यादगार मोमेंट रहेगा 2021 का. थैंक यू सो मच. सो आई वी नो हबीब, सो आज हम उनकी वजह से यहाँ पर आए हैं और हमें अवार्ड भी दिया जा रहा है दोनों को फॉर बीइंग अ क्यूट कपल ऑन टीवी. सो वी आर हियर बेसिकली फॉर हबीब एंड वुड लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट. It feels good. I think after such a long year of staying indoors, we are finally coming out for an event. So we are really excited. This is actually our first awards for which we've stepped out post the pandemic. Yeah. Karan, आपका जो music video आया था, उसके बारे में कुछ बताइए. बहुत appreciate किया गया उसको. और आगे क्या-क्या लोगों को देखने को? So yeah, I think we just crossed 175 million yesterday. बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है बेवफा तेरा मासूम चेहरा को. And इसी तरह grow करता रहे. और ऐसी कुछ चीज़ें हैं इन पाइपलाइन. आई विल बी शूटिंग दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ ऑल्सो फॉर अ कपल ऑफ म्यूजिक वीडियोज. सो लेट्स सी, आप लोगों को वो भी पसंद आएगा ज़रूर. सो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जी. अब करण क्या करने वाले, मतलब सीरियल की तरफ फिर से जाएंगे या फिर ओटीटी से? सो आई एम ऑलरेडी डूइंग अ शो विच इज़ फॉर जी पंजाबी, इट्स कॉल्ड मावा ठंडिया छावा. अभी एक हफ्ता ही हुआ है, सो कल ही रेटिंग आई है. सो इट्स बिकम नंबर वन ऑन जी पंजाबी. एंड तो एक वो शो कर रहा हूँ, कुछ वेब के लिए भी कर रहा हूँ. सो सर्टन थिंग्स इन पाइपलाइन दिस ईयर, सो लुकिंग गुड एंड ब्राइट. सॉरी. सो हमारी स्टाइलिस्ट यशस्वी जो है, तो पहले वो मुझे स्टाइल कर रही थी सिर्फ, फिर शायद इनसे बात हुई तो इनके लिए भी कुछ ला रही थी और मुझे कुछ और पहनना था, लेकिन आई थिंक वो वार्डरोब माइल फंक्शन हो रहा था, तो देन आई एंडेड अप वेयरिंग ऑलमोस्ट द सेम कलर्स. दैट्स व्हाट वी आर. थैंक My name is Roshni Kapoor and I have got the top brand endorser award today from Panache Image Awards. First of all, thank you to the Almighty and my all well-wishers and of course the beautiful people who all are here. Your presence is very important for me. So I will just say few words. That's many, many, many thanks and special thanks to my very dear friend Vishal Kapoor VK, who's the director of Panache Image Awards. I'm really feeling very overwhelmed. Thank you for the award. Thank you so much. Actually, it was a very, very fabulous moment for me. And there was one video of mine, Shona Shona, and it got 44 million views. So I'm very humbled and I'm very thankful. Thank you so much and thank you for. इसी तरह से award show करते रहे और हम लोग को बुलाते रहे, मतलब बहुत कामयाबी थी उनको और अच्छे award इसी तरह करते रहे. आज भी उनके जो awards हैं वो सब selected award है और बहुत अच्छे award दिए उन्होंने. आपको इम्पोर्टेंट का कैसा मालूम है कि जब किसी को एक अवार्ड दिया जाता है उसके दिल में कितनी खुशी होती है वो ही जानता है, या आप एहसास कर सकते हैं या वो कर सकता है खाली. और अवार्ड भी उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं और इसी तरह करते रहे, हमारी विशेष है उनके साथ. विशाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विशाल भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ड्रेस डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और बहुत अच्छा उनका रिलेशन है और बहुत अच्छे वो इंसान है. मुंबई हलचल डेली न्यूज़पेपर मेरा आता है और इस प्रोग्राम में अवार्ड शो में मैं मीडिया पार्टनर भी हूँ और विशाल का फ्रेंड भी हूँ. सर तहे दिल से हैप्पी बर्थडे दिलशाद सर. अभी आने वाला बर्थडे है वैसे तो, पर अभी से ही बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ. और सर वैसे भी बहुत प्यारे हैं, तो नो डाउट सर के साथ सारी खुश विशेष जितनी भी होना चाहिए, सारी गुड विशेष. थैंक्स. मुबारक हो. एंड उनके जो न्यूज़पेपर है उनकी तो हर कोई तारीफ करता है, बहुत अच्छे से आर्टिकल्स आते हैं, तो मेरे दिल से दुआ है कि वो आगे और भी कामयाब रहे. एंड आज मैं अपनी अवार्ड के लिए बात करना चाहूँगी कि मुझे बेस्ट बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड मिला है. एंड मैं टैरो न्यूमरोलॉजी एंड रेकी हीलिंग्स करती हूँ, तो इस बहाने से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो विशाल कपूर के जो इवेंट्स होते हैं वो
लाजवाब होते हैं. एंड ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. ही इज़ अ ग्रेट सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर. उसकी काम की तो मैं हमेशा तारीफ करती रहती हूँ. एंड अबाउट अगर मैं कहना चाहूँगी कि ये साल 2021 सब मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रेडिक्शंस क्या है ये साल की एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये साल से सब चीज़ें अच्छी होने वाली है. अप्रैल ऑनवर्ड से काफ़ी कुछ सुधार आने वाला है एंड नवंबर 2021 से सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएगी. मीडिया इज ऑसम. मीडिया की तो मैं बहुत बड़ी 2021 में मीडिया शाइन करने वाली है. एंड जो मीडिया को जो दिक्कतें आ रही थी वो सब निकलने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ 2021 से. सो विशाल, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस. आई एम डॉक्टर सुमया रेशमा. ओके, सो शॉर्ट. हाई, आई एम डॉक्टर सुमया रेशमा. Right? Yeah. Hi, I'm Dr. Sumaya Reshma and I got this award for dental surgeon par excellence. Since 20 years, I'm working as a dental surgeon. Along with that, I do some fashion shows, ramp walk. So getting an award from Vishal Kapoor is a dream come true for me. Thank you. Thank you. And getting Ismail Darbarji, that was such a honorable moment for me. थैंक यू. खैर, ओके, सो मुझे ये अवार्ड मिला है फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस ऑफ द ईयर. और सबसे मेरी सौभाग्य की बात है कि इस्माइल दरबार साहब जी ने ये अवार्ड से मुझे नवाजा है. तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात कुछ हो सकती है. एंड आई रियली वुड लाइक टू विश विशाल कपूर ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर. एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा. हम जैसे आर्टिस्टों को ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये बहुत एनकरेज करते हैं कि हम आगे बढ़े और अच्छे अच्छे काम करें और हमारे फैंस के लिए हम कुछ ना कुछ नया लेते आए. थैंक यू सो मच विशाल PIA. एंड यस, दिस इज़ माई ब्लैक लेडी. मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज किया है PIA पिनाश इमेज अवार्ड्स, बहुत अच्छी बात है. ये अच्छा कार्य कर रहे हैं बिकॉज यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इवेंट्स मस्ट कीप हैपनिंग एंड इट्स अ इमेज अवार्ड. सो दे हैव इनवाइटेड मी एंड दे आर ऑनरिंग मी. आई एम ऑनर्ड. ऑल द बेस्ट टू देम. विशाल इज अ वेरी गुड डिजाइनर. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. 2021 शुरू हो गया है, क्या रेजोल्यूशन बनाया है नए साल के लिए? वर्क वर्क एंड वर्क. एक साल जो हमारा पेंडेमिक में गया है, वी मस्ट फॉरगेट 2020 एंड 2021 वी मस्ट वर्क मोर हार्ड एंड द लॉस्ट टाइम व्हिच वी हैव लॉस्ट ट्राई टू वर्क मोर हार्ड एंड गिव सम अमेजिंग स्टफ टू द इंडस्ट्री. I've just told Siddhant that there is no shortcut to hard work. He must work hard and hard work will always pay. So any plans to come together? Yeah, very soon. Very soon we will do that. We have made a film called Sanghar the Massacre, which I have produced, which Siddhant has written. He has directed the film. And in that film, I have acted in it. It's a short film. It's a 50-minute film. So Siddhant has, two of us are acting in the film. So God willing, within a month's time, the post-production is on. And we will be releasing Sanghar, the Massacre very soon. It's a film which my banner has produced. And it's on basically on the Sadhu lynching, what had happened in Palghar. We're inspired by that incident. And we have made the film. It's against the Gau Hatya. और जो साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई है उनके खिलाफ हमने ये फिल्म बनाई है. सो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी. पीपल विल लव द फिल्म एंड दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन. And second queen, little princess Nishita Prada, Miss Showstopper 2020, the little star that she is. Nishita is also a child actress in Hollywood known as for super podium. मैं मनीष मान फ्रॉम दिल्ली, इंडिया प्लेयर, एशियन मेडलिस्ट.
आपको जो अवार्ड मिला है किस सिलसिले मिला है, क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए मेरा तो अभी पहले मैं स्पोर्ट्स करता था और अभी भी करता हूँ और मैं एशियन मेडलिस्ट हूँ, काफ़ी अवार्ड मैंने मेरे को मिले हैं पहले, इसी को लेकर अभी मेरे को अवार्ड मिला है। और खुशखबरी की बात ये है कि अभी मेरे को एक मेरी हिंदी बॉलीवुड शो है वो लॉन्च होने वाला है और मेरे को मूवी में भी एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में आप लोगों की दुआ रही तो काफ़ी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बस यही चाहता हूँ कि पहले खेल के माध्यम से देश की सेवा की है और अभी इसके जरिए फिल्म इंडस्ट्री मूवी के जरिए मैं आप लोगों का अच्छे से अच्छे वेलकम करूँ और आपको दिल खुश करता रहूँ, यही मेरी इच्छा है। मान साहब आपको टोकन मिल गया बॉलीवुड का, क्या कहना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे? देखिए मेरे को बॉलीवुड का टोकन लास्ट ईयर भी मिल गया था, ये कोरोना के लॉकडाउन के चक्कर में शायद अभी थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ था, बट मैं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही ऐसे कई अवार्ड मेरे को मिलते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि ये जो मेरा अवार्ड मिल रहा है ये मीडिया और आप लोगों के माध्यम से ही आगे लोगों को पहुंचेगा ताकि एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी ऐसा लगे कि हाँ हम लाइफ में आगे और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जरिया एक स्पोर्ट्स का नहीं है, ये अपने आप को स्टैंड करने का कि हम किसी से कम नहीं है, ये मेरा एक मानना है। जाटों की एंट्री हो गई है बॉलीवुड में? देखिए जाटों की तो सदा बाहर है, जाट तो जहाँ खड़े कर देंगे वहीं बाहर लाएंगे और जाट और किसान और जवान ये तो जहाँ देखेंगे वहीं देखने को मिलेंगे और अच्छा करेंगे क्योंकि वो दिल के साफ होते हैं और लोगों को कभी धोखा नहीं देते, तो यही मेरा मानना कि आप लोगों के इससे ही अब जाटों की जो रिस्पेक्ट करें और ऐसे ही चलता रहे कि मेरे लिए जाट या कौम इसके लिए मैं मायने नहीं रखता, बट इंसान अच्छा होना ही ये सबसे बड़ी बात है। और अवार्ड का कितनी अहमियत है ये? देखिए अवार्ड कोई भी हो छोटा हो या बड़ा अहमियत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक किसी का एक छोटा सा गिफ्ट या किसी के अवार्ड के उसमें जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड का एक ये नहीं कि आज मेरे को इस लेवल पर मिला या इंटरनेशनल लेवल पर मिला है, क्योंकि मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, सम्मान कोई करता है तो उससे बड़ी और क्या बात है। थैंक यू सर।